अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं शुगर पर, और शुगर का मैंने यही बताया कि जब तक हम अपनी खुराकों को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये याद रखें, और सिर्फ ये याद रखें कि शुगर को कंट्रोल करना है आपने। शुगर जो है, अगर आपकी कंट्रोल हो जाती है तो ये समझ लें कि शुगर आपकी ठीक हो गई। अब अगर फ़र्ज़ के ठीक हो जाती है तो ये नहीं करना है कि फिर आपने कोई वही लाइफस्टाइल आपने जो है ना अपनाना है जो आपका इससे पहले था। अब आपने कुछ चीज़ों का ज़िंदगी में से एहतियात करना है बहुत ज़्यादा। एक तो आपने प्योर शुगर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। हर वो चीज़ जिसके अंदर शुगर मौजूद है उससे आपने जो है ना बचना है। कुदरती तौर पर बहुत सारी हमारी खुराकों के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद होती है, जिनमें हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी अनाज हैं, या जितने भी आप ये कह लें कि ग्रेन्स हैं, वो सारे शुगर से भरे हुए हैं। आपने उनको अपनी मिकदार कम मिकदार में लें। मतलब कोशिश करें कि कुछ अरसे तक, जब तक जो है ना आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उस वक्त तक आप इनको बहुत ही कम कर दें या बंद कर दें तो बहुत बेहतर है। तो उसमें यह है कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं फिर, और बहुत जल्दी अल्लाह करम करता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगा कि आपने कोशिश करनी है कि शुगर को, अगर आप चाहते हैं उसको शिकस्त देनी है, तो आपने अपनी खुराकों को समझना है। खुराकों समझने से मुराद सिर्फ ये है कि आपने वो खुराकें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर मिठास मौजूद है, उनको अपनी खुराक के अंदर कम से कम रखें, अपनी ग़िज़ा के अंदर कम से कम रखें, जिनके अंदर हमारे जितने भी अनाज हैं, जितने कार्ब्स हैं, उनको आपने ऐसा ऐसा आपने अव्वल तो शुरू में ऐसा है कि अगर आप ये करें कि बिल्कुल बंद कर दें तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बंद नहीं कर सकते तो आप बहुत ही कम मिकदार कर दें उनको। तो उससे यह है कि अल्लाह करम करेगा काफ़ी हद तक आपकी वैसे ही शुगर जो है ना जी आपकी कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने इलाज क्या करना है। इलाज बहुत सारे हैं, एलोपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं जिनसे आप शुगर कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि केमिकल से हम जितना दूर रहें, जितना हम नेचुरल चीज़ों पर रहते हैं, जितना हम अपनी डाइट को समझकर अपनी जो है ना जी अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे, तो अल्लाह करम करेगा बहुत सारे बीमारियों से महफूज रह के शुगर की वजह से फिर बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं। शुगर की वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके किडनी। मैंने ख़ासतौर पर देखा है कि वो लोग जिनके जिनको शुगर होती है, फिर ऐसे ऐसे अगर वो अपनी खुराक को एहतियात नहीं करते तो वो अपना ऐसे ऐसे उनके गुर्दे जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारी कमज़ोरियाँ उनके जिस्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी से अच्छी खुराक वो खा रहे होते हैं, लेकिन वो खुराकें उनको अच्छी तरीके से जज्बे बदन नहीं बनती, जिसकी वजह से अपना बहुत सारे प्रॉब्लम आने का अंदेशा होता है। ये समझ लें, शुगर अगर आपको हो गई है तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, आपने एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर चीनी और मिठास तो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है। और दूसरा ये होता है खुराकों के अंदर जो कुदरती तौर पर खुराकें हैं उनके अंदर हमारे जितने भी कार्ब्स हैं, हम कार्ब्स जो है ना जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हम अपनी अनाज की सूरत में, रोटी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, उसको कम कर दें। जितनी कम कर सकते हैं उतना करें। फिर ऐसे ऐसे जब आपने मॉनिटर करें, जब आपकी जो है ना शुगर ठीक होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने ऐसा करना है कि थोड़ा थोड़ी मिकदार में आप अपना रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, और अपनी शुगर को खुद आपने मॉनिटर करना है। हमारे यहाँ मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, शुगर के बहुत सारे नुस्खे हैं मेरे पास मौजूद हैं, जिनके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आसान आसान से नुस्खे मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ। हमारे यहाँ एक तो होती है अफसंतीन बूटी अकेली ही मैंने देखा है कि शुगर के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अफसंतीन का ये होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत है, लेकिन जो हमारे यहाँ काबुल से आती है वो कमाल की है। उसकी अफादियत जो है ना बनस्बत यहाँ की अफसंतीन के बहुत बहुत ही मौसर है। जायके में ज़रा कड़वी होती है, इसलिए आपने इस्तेमाल करनी है, और सस्ती सी चीज़ है। अगर आप सिर्फ 100 रुपये की लेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी पूरी जो है ना जी 20-25 रोज़ एक महीने के करीब चल जाती है। तो आपने इसका करना है कि अफसंतीन बूटी जो है वो तकरीबन 10 ग्राम लेनी है। रात को उसको उबले हुए पानी में, एक गिलास पानी में भिगो कर रखेंगे, आधा गिलास सुबह को निहार मुँह ले लेंगे, आधा शाम को लेंगे। और इसके साथ अगर आप परहेज़ करेंगे तो अल्लाह करम करेगा कि आपकी तेज़ी से शुगर जो है एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। दूसरी हमारे यहाँ जो शुगर के लिए कमाल की बूटी है वो है पनीर डोडी।
पनीर रोटी का भी मैंने ये देखा है कि अगर आप पनीर रोटी सिर्फ अकेली पनीर रोटी इस्तेमाल करें, और पनीर रोटी का भी यही है कि 10 ग्राम पनीर रोटी लेनी है, उसको आपने तकरीबन जब भी पानी में भिगोएं तो वो आप उबले हुए पानी के अंदर इसको जो है ना 10 ग्राम को एक गिलास में भिगो के रख दें, रात को भिगो कर रखें, तो सुबह को निहार मुँह इसमें से पानी आपने आधा गिलास सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले ले लेना है और आधा शाम को लेना है। अच्छा, इसी तरीके से चरायता होता है हमारा, चरायता जो है चरायता शीरी, ये हमारा एक चरायता शीरी होता है, एक चरायता तलख है। अच्छा, शुगर के लिए हमने देखा है कि चरायता तलख भी बहुत कमाल का है। सिर्फ चरायता तलख जो है अगर आप 10 ग्राम लें और इसको आप इसी तरीके से उबले हुए पानी में रात को भिगो कर रखें, और सुबह में आपने आधा गिलास सुबह निहार मुँह आधा गिलास शाम को खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह करम करेगा एक महीने के अंदर अंदर आपकी शुगर लेवल एक्सेलेंट होंगी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारी सिंगल रेमेडीज़ हैं। दूसरी एक और बड़ी कमाल की चीज़ है हमारे यहाँ, उसे कहते हैं कचूर। कचूर को हमारे यहाँ जरनबात भी कहते हैं। जरनबात तुमरात के हमारी जो है ना सोना, मिट्टी का सोना, मिट्टी का सोना भी इसे क्या कहा जाता है, जरनबात भी कहते हैं। तो इसका ये होता है, ये आपकी अंबा हल्दी की तरह जो है इसकी शक्ल होती है, हल्दी की तरह इसकी जो है ना गुठलियाँ सी होती हैं। इनको आपने ऐसा करना है कि बारीक पीस लेना है, बारीक पीस कर इसकी एक छोटी चम्मच जो है अपने सुबह निहार मुँह ले लें, एक शाम को, कोई भी टाइम रख सकते हैं। अच्छा, इसका ये होता है, ये याद रखें कि देसी दवाई जितनी भी हैं इनको एडजस्ट करना होता है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप शुगर के अंदर जो हैं वो आप दिन में 3 से 4 खुराक भी ले सकते हैं। अब जैसे कचूर है, अगर आपकी शुगर लेवल जो है ज़्यादा है तो दिन में 4 मरतबा लें। जब आपकी शुगर लेवल जो है अल्लाह करम करे 10-20 रोज़ तक आपके कंट्रोल हो जाए, तो कम से कम 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह ये मैं पानी का जो मैं बताता हूँ उसको आप 3 से 4 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप देखें कि आपकी महीने तक आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, एक माह तक आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, तो आपने 2 मरतबा आपने लाजमी लेना है। ये नहीं करना है कि आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने से सिर्फ ये होता है कि जब आप देखें आपकी शुगर लेवल जो है फास्टिंग में 100 से कम आ रही है, तो इसकी मकदार को थोड़ी कम कर दें, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और मैं एक ये बताऊंगा कि हम अक्सर जो है ना जी समझाते हैं, बताते हैं कि हमारी खुराकों का, अगर हम अपनी खुराकों को समझ जाएं तो शुगर को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, और शुगर को कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये होता है कि हमें, मैंने अक्सर देखा है कि जो जितने शुगर वाले पेशेंट हैं वो उनको एक क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो आपने कोशिश करनी है मीठी चीज़ें, शुगर फ्री बहुत सारी आजकल चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आपका दिल चाहे तो शुगर फ्री आप चीज़ें इस्तेमाल कर लें, लेकिन मिठास में चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, शहद नहीं इस्तेमाल करना, गुड़ नहीं इस्तेमाल करना है, या कोई भी आपने मीठी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। कुछ अर्से के लिए आप परहेज़ करें और सख्त किस्म का परहेज़ रखें। कम अज़ कम मैं बताता हूँ कि 3 महीने तो आपने सख्त जो है परहेज़ रखेंगे, तो अल्लाह करम करेगा कि इंशाल्लाह शुगर काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल हो जाएगी। मैं शुगर का जो है ना और भी बहुत सारे नुस्खे आपको शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये मैंने जो है ना सिंगल रेमेडीज़ आपको बताई है। ये सिंगल रेमेडीज़ जो है जितनी भी हैं ये आपकी शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगी, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से हर जगह मिल सकती हैं, और इसको आप बना कर इस्तेमाल की, इसमें से कोई भी एक नुस्खा रख लें, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ किया कि पानी आप बना कर पीना चाहते हैं, तो आप चाहे चरायता का पानी पी लें, चाहे आप अफसंतीन का पी लें, चाहे आप पनीर डोडी का पानी पी लें, लेकिन उसको सुबह शाम 2 मरतबा लें। इसी तरीके से आपने जरनबात या कचूर जो है उसको बारीक पीस के रखना है, और वो दिन में आपने कम अज़ कम 2-3 मरतबा थोड़ा सा खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, दिन में कम से कम आप 3-4 मरतबा लें। जब आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए, आपकी रैंडम में आपकी जो है 150 से नीचे आए, तो इसका मतलब काफ़ी हद तक आपने अपनी शुगर को कंट्रोल कर लिया। ये याद रखें, या आपने खुद कंट्रोल करना है शुगर को, एडजस्ट करना है खुराक को, और जहाँ आप एडजस्ट कर लेंगे, समझ जाएँगे आप खुराक को समझ जाएँगे, तो फिर ये समझ लें कि आपने कभी अगर फ़र्ज़ किया खुदा न खासा कहीं पर मीठा ज़्यादा
खाना पड़ गया कहीं पर जो है ना आपने, तो इसकी डोज को थोड़ा सा बढ़ा दें। लेकिन ये याद रखें कि मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं कि शुगर के लिए जो है ना जी वो अपना चेक नहीं करते, और जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता। तो अगर आप शुगर चेक नहीं कर रहे हैं तो आपने इसकी फुल डोज लेनी है। फुल डोज से मुराद क्या है कि जो आपने पानी जो पीना है जड़ी बूटियों का वो कम से कम दो मरतबा पीना है। इसी तरह कचूर जो है वो आपने कम से कम दिन में चार मरतबा लें, तीन से चार मरतबा लाजमी लें। तो फिर तो यह है कि काफ़ी हद तक अल्लाह करम करेगा ठीक हो जाएंगे। लेकिन ठीक होने के लिए आप फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि शुगर जो है ये कंट्रोल होती है, ये बिल्कुल ये ना समझें कि ख़त्म। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी शुगर लेवल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे उनके इंसुलिन तक जो है ना शुगर उनकी छूट जाती है। लेकिन ये याद रखें अगर छूट भी जाए फिर भी आपने सख्त परहेज करने, अपनी डाइट को अपना समझना है और डाइट को समझ कर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह करम करेगा आप शुगर को कंट्रोल कर लेंगे, शुगर को शिकस्त से देंगे और अपनी सेहत को बेहतरीन रखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपके पास भी जो मैं इससे पहले आपको जिक्र किया था कि आपके पास अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मुजरब नुस्खे हैं तो मुझे शेयर करें। मेरे पास बहुत सारे जो है ना जी लोगों ने ऐसी बातें मुझे बहुत सारे अपने कामयाब नुस्खे जो है ना जी वो भेजे हैं, मैं चाहूँगा कि आप तक पहुँचें और अल्लाह करम करे। हमारी जो ये अपना एक तरीका है कि किसी तरीके से भी किसी भी तरीके से हम कोशिश करें कि अल्लाह करम करे कि हमारी बीमारियां जो हैं ना जी दूर हों। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेरी मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन, तो आपसे आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को बहुत अच्छा पसंद भी किया और बहुत सारे मेरे पास बहुत अच्छे सारे कॉमेंट्स भी आए। मैं फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मसरूफियत की वजह से मैं बहुत सारी कॉल जो है वह अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आप अपने मैसेज मुझे भेज दिया करें, व्हाट्सएप पर मैसेज वॉइस मैसेज करें ताकि मैं उसको आराम से सुनकर उसका मैं आपको जवाब दे सकूं। अगर फ़र्ज़ किया किसी को मैं जवाब नहीं दे सका तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो मसरूफियत हमारे पास इतनी होती है कि फिर भी मेरी कोशिश होती है मैं जब भी मेरे पास टाइम हो मैं आपको जो है मैसेज करूँ। मैं आपकी दुआओं को मोहताज हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।